की आराधना करें। तो दाऊद कहता है कि मैं खुश हो गया कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि परमेश्वर के घर को चलें। हे भाई और बहनों, आज जब हम लोगों से कहते हैं कि परमेश्वर के घर में चलें, आज संडे है, आराधना का दिन है, तो हम कहते हैं नहीं यार, अभी हमें बहुत काम है, नहाना है, सौदा लाना है, कपड़े धोने हैं, और भी बहुत सारे कई काम कह के हम परमेश्वर के घर में लेट पहुंचते हैं। हे भाई और बहनों, जब लेकिन दाऊद को जब लोगों ने कहा कि आओ परमेश्वर के भवन को चलें, तो दाऊद कहता है कि मैं उस टाइम पे खुश हो गया। जब आपसे लोग कहते हैं कि परमेश्वर के घर का टाइम हो गया, चलो चलते हैं, तो क्या हम खुशी के साथ चलो परमेश्वर के घर चलें करके खुशी के साथ हम जाते हैं, या तो कहते हैं यार आज संडे जाना करके क्या आप नाराज हो जाते हो, या आपके काम आपको याद आ जाते हैं, आपके काम अगर परमेश्वर से आपको दूर कर रहे हैं, तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, हमारी पूरी आशीष जिसमें है वो है परमेश्वर के कहना मानने से, परमेश्वर का कहना और परमेश्वर की खुशी इसी में है कि परमेश्वर के घर में परमेश्वर के बच्चे वापस आए, उसकी आराधना करना। हे भाई और बहनों, आपकी और मेरी सृष्टि परमेश्वर ने की ही इसलिए थी ताकि हम जो है उसकी महिमा करें, उसके घर में जाके हाथ अपने उठा के। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी, उसने कलवरी क्रूस के ऊपर हमारे लिए जान दे दी, खून बहा दिया, सब बोझ उसने हमारा अपने ऊपर ले लिया हमें बचाने के लिए, और हमें बचा भी लिया। हे भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उद्धार पा चुके हैं, बपतिस्मा भी ले चुके हैं, परमेश्वर के घर में जाके वचन सुनाते हैं, आराधना करते हैं, सेवकाई भी करते हैं, लेकिन आप अगर परमेश्वर के घर में जाने से आप डरते हो, या आपको कोई काम याद आता है, तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि जब लोगों ने दाऊद से कहा कि चलो परमेश्वर के घर में जाएं, तो दाऊद जो है खुश हो गया कि मैं आज परमेश्वर के घर में जाऊंगा और उसकी आराधना करूंगा। दाऊद तो खुश हुआ परमेश्वर के घर में जाने से जब लोगों ने उससे कहा, लेकिन आपको जब लोग कहते हैं कि परमेश्वर के घर में जाने का समय हो गया, चलो चले, तो आप खुश होते हो, या आपको अपने काम याद आ जाते हैं, या आप अपना पर्सनली काम करते हो। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। बहुत सारे लोग जो है इस दुनिया इतने बिजी हो गए हैं कि परमेश्वर को भी वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारे पास समय भी नहीं है। संडे का दिन सिर्फ 2 घंटे होता है, वो 2 घंटे में भी हम उसको समय नहीं दे पाते हैं, 2 घंटे में भी हम उसे समय नहीं दे पाते हैं, 2 घंटे में भी हम 1 घंटा ही जाते हैं, वो भी लेट होके। हे भाई और बहनों, अगर आप ऐसा करोगे तो आने वाले दिनों में हमारे बच्चे भी वैसा ही लेट आया करेंगे जैसे कि हम जाते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। दाऊद तो खुश हुआ परमेश्वर के घर में जाने से जब लोगों ने उससे कहा कि चलो परमेश्वर के घर चलें। दाऊद खुश हो गया। आप कैसा खुश होते हो? जब संडे आता है तो आप खुशी के साथ जल्दी उठ के, जल्दी नहा के, जल्दी ब्रश करके क्या आप परमेश्वर के घर जाते हो संडे के दिन? या जब संडे आता है लेट उठ के, लेट ब्रश करके, लेट नहा के, लेट परमेश्वर के घर जाते हो? तो आज परमेश्वर इस वचन से आपसे बात कर रहा है। दाऊद तो खुश हुआ जब लोगों ने उससे कहा कि चलो परमेश्वर के घर चलें, तो दाऊद खुश हो गया अपने हाथ उठा के परमेश्वर की महिमा की कि मैं परमेश्वर के घर जाऊंगा। लेकिन जब आपसे लोग कहते हैं कि परमेश्वर के घर का जाने का समय आ गया, तो क्या आप क्या करते हो? आप खुश होते हो जाने के लिए, या आपको अपने काम याद आते हैं? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।